तो हाय गाइस, वंस अगेन एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए। और अरिथमेटिक्स जो है हमारा चल रहा था, इस टाइम एपी सीरीज चल रही थी, ठीक है ना। तो सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे एपी के बारे में, ठीक है। एपी क्या होता है सबको पता है। अरिथमेटिक मीन मैंने कल बताया था, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेशन, इसको मैंने बताया था, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा था कि टू फाइंड द एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो मैंने टी एन टर्म्स मैंने फाइंड किया। टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी होता है। वेयर ए क्या होता है, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म्स एंड डी कॉमन डिफरेंस, ओके। एंड एन इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो एन यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स थे। और टीएन क्या था, टीएन मींस होता है एंड टर्म्स, क्या होता था, एंथ टर्म्स, ओके। तो मैंने इन सब के बारे में डिस्कस मैंने कल कर लिया था, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था सब कुछ। तो फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर मेरा हो चुका है कंप्लीट। तो आज हम शुरू करने वाले लेक्चर नंबर 3, जो कि एपी सीरीज के लिए है। और देखिए, एपी सीरीज में कुछ मैंने कल डिस्कशन थोड़ा सा किया था मैंने, तो मैंने कहा कि आज उसका नोट में लिखवा दूं यहाँ पे फार्मूले के फॉर्मेट में। तो मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने ये कहा था कि कभी भी अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो इन केस विच टर्म्स इज मिडल टर्म्स, ओके। यानी कौन से टर्म्स उसमें क्या होगा, मिडल टर्म्स होगा। तो मुझे पता है कि मेरे पास 4 फिंगर हैं, तो मैं अगर बात करूं तो मेरे पास कितने फिंगर हैं, 4। दिस इज द इवन फॉर्म, ठीक है। इवन मतलब क्या होता है भैया, सम संख्या, है ना। यानी कि ये मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है कैसे हैं, इवन है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें अगर मिडिल टर्म्स के बारे में बात करनी हो, तो क्या कहेंगे आप, तुम आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 मिडिल टर्म्स दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक सेकेंड पे और एक थर्ड पे, ठीक है ना। तो सेकेंड और थर्ड, यानी कि मेरे पास अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन हो जाते हैं, तो इन केस आप खुद चेक कर लीजिएगा, हमेशा क्या करेंगे, आपके पास 2 टर्म्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल जस्ट मिडिल में होंगे। क्या होंगे, जो बिल्कुल जस्ट मिडिल में होंगे। तो इन केस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, तो इन दिस केस द मिडिल टर्म्स है ना n बाई 2 टर्म्स एंड n बाई 2 प्लस 1 टर्म्स। इन केस ऑफ इवन नंबर्स, इवन टर्म्स, देयर आर 2 मिडिल टर्म्स एग्जिस्ट इन एन एपी। सिंपल सी बात है, देयर आर 2 टर्म्स है ना इन द एन एपी, ठीक है। किसी भी एपी में क्या होता है कि 2 टर्म्स तो मिलेंगे कब, जब नंबर ऑफ टर्म्स कैसा हो, इवन हो। बट अगर नंबर ऑफ टर्म्स कैसा मिला हो जाता, ऑड, इसे मेरे पास 3 फिंगर है, 3 फिंगर 1 2 3। अगर मैं पूछूं कि इससे जस्ट मिडिल में कौन से टर्म्स आ रहे हैं, इसका मतलब सेकंड टर्म्स आ रहा है, क्या रहा है, सेकंड टर्म्स। देखिए मिडिल टर्म्स का मतलब क्या होता है, अब जो बीच मिलाई करता हो, ठीक है, उसी को आपको पता लगाना कि कौन सा टर्म्स होगा, विच टर्म्स है ना इन द मिडिल, विच टर्म्स लाई इन द मिडिल, ठीक है, विच टर्म्स एग्जिस्ट इन द मिडिल ऑफ एन एपी। तो आप जो है इजिली आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। लेकिन ऐसे केस में क्या है ना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि गिवन एपी की जो गिवन मेरी सीरीज होगी, एपी सीरीज होगी, उनका क्या करेंगे हम लोग, उसको चेक करेंगे और ये पता लगाएंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने। अगर नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं तो कोई बात नहीं, अगर अदरवाइज नंबर ऑफ टर्म्स अगर अननोन है, तो क्या करेंगे, उसको पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तब जाकर डिसाइड कर पाएंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स है कितना, यानी कि वो ऑड के फॉर्म में है या इवन के फॉर्म में है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी नंबर ऑफ टर्म्स के केस में, तो ऐसे केस में मेरे पास 2 केसेस हैं, एक है ऑड के लिए, एक है इवन के लिए। तो इन्हीं दोनों केसेस के थ्रू क्या करेंगे, मिडिल टर्म्स को फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस लगाने वाला हूँ, तो मजा आने वाला ज्यादा, ठीक है ना। आगे देखिए, मेरे पास एक मतलब एक और मेरे पास कंडीशन थी कि अगर मेरे पास एबीसी है ना इन एपी, अगर मेरे पास क्या है एबीसी, अगर एपी में लाई करते हैं, अगर एपी में है, तो मैंने बताया था कि जो मिडिल टर्म्स आपका होता है उसी का नाम क्या होता है, अगर हम बात करें मिड वैल्यू की, तो मिड वैल्यू मीन्स क्या होता है, मीन होता है। और ये एपी में है, एपी मीन्स होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं अरिथमेटिक मीन बोल सकते हैं। और मैंने कल बताया था कि मिड वैल्यू कभी फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, अगर मेरे पास देयर आर 3 टर्म्स अगर गिवन है, तो मिड वैल्यू जो वैल्यू कैसे आने वाली है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स का सम करके उसको हाफ कर दीजिए, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट का एवरेज फाइंड आउट कर दीजिए।
तो क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म्स जो मिला यहाँ बी, बी कैसे मैंने फाइंड आउट किया, क्योंकि ए और सी को मैंने ऐड किया और अपॉन टू कर दिया। ऐसा कब होगा, जब सीक्वेंस कैसा हो, सीक्वेंस कैसा हो, कोई रूल या पैटर्न को फॉलो करता हो, मतलब जब एपी सीरीज कंडीशनल होगा। कंडीशन है क्या है कि एपी सीरीज अगर मस्ट है, यानी कि वहां पे है, तभी आप जो है बी की वैल्यू ए प्लस सी बाई टू फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज ए प्लस सी बाई टू नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि जो है एपी सीरीज अगर होगी तब ऐसा होगा। तो मैंने इन सब के बारे में मैंने कल बताया था, और इसी बी को कहते हैं भैया अरिथमेटिक मीन होता है, और मीन का मतलब ही होता है कि भैया मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मेरे पास कहाँ पे दिख रही है, बी दिख रही है, और बी का वैल्यू कितना होने वाला है भैया, ए प्लस सी बाई टू होने वाला है। इन सबको आपको नोट करना है, और नोट करने के बाद हम लोग चलते हैं आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हमारा जो है क्वेश्चन आप रहे हैं, तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने पढ़ रखा अब तक, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो आने वाले हैं इसके इसी के थ्रू है ना, तो मैं उसकी बात करने वाला हूँ। और एक बात और समझ लीजिए, आपको मैंने बता चुका है बहुत पहले ही आप लोगों को, मैंने आपसे बता रखा है कभी भी अगर टी एन टर्म्स अगर मेरे पास है वो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, कैसे हो, लीनियर फॉर्मेट के फॉर्म में, यानी लीनियर पॉलीनोमियल के फॉर्म में अगर हो, तो क्या करेगा ये, एपी शो करेगा, अदरवाइज एपी नहीं शो कर सकता है। कैसे, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है तो एपी शो नहीं करेगा, क्यूबिक फॉर्म में है तो एपी शो नहीं करेगा। यानी कि जो यहाँ पे जो एन है, एन मीन्स क्या है, एक वेरिएबल है, और ये एन क्या शो करता है भैया, नंबर ऑफ टर्म्स को शो करते हैं, यहाँ पे देखो एन है। तो मतलब कि अगर ऐसा कुछ अगर इंटरफेस दिखता है ना, जिसका मतलब ये एपी सीरीज है, ए बी क्या है भैया, फिक्स वैल्यू हमारी, ए बी क्या है, ए एन बी क्या है, फिक्स वैल्यू है, बात समझ में आ रही है, क्लियर, ओके। तो ये चीज जानते रहिएगा, मैंने इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, और इसकी और इसी पे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप दिमाग में बिल्कुल रखिएगा कि सर ये जहां भी रहेगा, यानी कि जैसी भी कंडीशन अगर ऐसी मिली कि जहां पे टी एन का जो है फॉर्मेट है, जो टी एन का जो फॉर्मेट हो वो कैसा हो, लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो, कैसे हो, लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में हो, ठीक है। और ये होता क्या है लीनियर, मतलब क्या होता है, डिग्री वन हो, कैसी है, डिग्री वन, यानी कि जो वेरिएबल यहाँ पे यूज किया गया है वो क्या, डिग्री वन के फॉर्म में हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ पे लिख के, तो मैं आपको इसको बताने वाला हूँ वन बाई वन, जो कि एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आज लगवाने वाला हूँ, जो इस पे मतलब बेस पे जो है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि बहुत मजा आने वाला है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, बस फटाफट में क्या करने वाला हूँ भैया, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा यहाँ पे, और अच्छे तरीके से समझते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने सब पढ़ तो रखा है पहले से ही, तो बहुत दिक्कत होने वाली है ही नहीं भाई, ठीक है। चलो भाई, चलो ये पहला क्वेश्चन क्या था, सबसे इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन मैं लगाने वाला हूँ कि मेरे पास अगर 9, 13, 17 है ना, और 25, ये मेरे पास कोई सिक्वेंस है, सीरीज है, एपी सीरीज है, यानी कि एपी सीक्वेंस कैसा हो, प्रोग्रेशन के फॉर्मेट में हो, मतलब बताया था सीक्वेंस क्या होता है भैया, एक सीरीज होती है, वो पैटर्न फॉलो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, अगर फॉलो किया तो उसका नाम होता है प्रोग्रेशन, तो मुझे सबको पता है। मैं अगर आपसे बात करूं 12th टर्म्स क्या होने वाला है, क्या 12th टर्म्स क्या होने वाला है, तो आप क्या बताओगे, इसका आंसर क्या निकलने वाला है भैया, 20 टर्म्स निकाल लो, क्या दिक्कत है, कौन भी आफत मची हुई है, 25th टर्म्स निकाल लो, कुछ भी निकाल लो भाई, ठीक है, कुछ भी फाइंड आउट आप कर सकते हो, है तो क्या मिलेगा यहाँ पे। अगर हम बात करें T12, इसका मतलब कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, T12 अदरवाइज A12, T20 अदरवाइज A20, आप जो है दोनों फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने बता रखा है पहले कि TN हो चाहे AN हो, है ना, बोथ वर्ड्स रेफर टू सेम मीनिंग, रेफर टू सेम मीनिंग। तो आप देखिए, चलते बात करते हैं A12 के बारे में, तो क्या होता है मेरे फॉर्मेट में, ए है ना, चलो हम लोग यूज करते हैं टी एन,
तो टी ट्वेल्व क्या मिलने वाला है, ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है ओके, इनटू डी। चलो भैया फर्स्ट टर्म्स कितना मेरे पास है, नाइन दिख रहा है साफ साफ, एन माइनस वन ठीक है, तो एन कितना यहाँ पे होने वाला है भैया, ट्वेल्व, यानी कि क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा ट्वेल्व माइनस वन। और डी कितना है भैया, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस कितने को मिल रहा है भैया, प्लस फोर, क्या हो रहा है प्लस फोर, ये क्या मिलेगा यहाँ पे, डी कितना आ गया प्लस फोर आ गया, तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्या मिलेगा, तो 44 प्लस 9, 44 प्लस 9 कितना होता है भाई, अच्छे से समझाओ, ये हो जाएगा 53, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अदरवाइज आप सिमिलरली क्या करेंगे, T20 फाइंड आउट करिए खुद से, और T25 फाइंड आउट करिए, और चेक करिए क्या आंसर आने वाला, ठीक है। तो मैंने क्या रखा था, अगर T20 है ना, D का टर्म्स यानी D का जो कोफिशिएंट क्या होता है भाई साहब, N से एक कम ही होता है, यानी कि T20 यहाँ पे क्या मिलेगा, 19D मिल जाएगा, क्लियर। प्लस A कितना मेरे पास है, चलो पुट करते हैं, यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म्स मीन्स 9 हो गया, प्लस 19 × 4, ओके। तो देखो यहाँ पे कितना जो है बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से आप याद कर सकते हो, तो हो जाएगा 76, ठीक है, क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे 76 मिलेगा ना, चलो यहाँ पे 76 प्लस 9, ये कितना आंसर देने वाला भैया, मिलेगा मेरे पास 85, कितना आ गया 85 आ गया, ये मेरा जो है आराम से आंसर निकाल सकते हो। चलो अगर देखो ए प्लस 24D मिलेगा, क्योंकि जो डी का जो कोएफिशिएंट क्या होने वाला है, इससे लेस देन वन होगा हमेशा, मुझे पता है ना अच्छे तरीके से, क्यों पता है, क्योंकि मुझे मालूम है टी एन क्या होता है भाई, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, और मैं इसी फार्मूले का यहाँ पे यूज करके फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। ये फार्मूला ना बहुत तरह यूज होने वाला, कभी कभी आपको एंथ वैल्यू निकालनी पड़ जाए, एंथ मीन्स कभी थर्ड वैल्यू है ना, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू, इसी मैंने यहाँ पे टी टर्म निकाल लिया, इसके लिए फायदेमंद है। कभी आप जो नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना हो तब भी क्या करेंगे, इसको इसको हम यूज करेंगे, और जब नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो सिंपल सी बात है, लास्ट टर्म से पक्का वहां पे क्या होगा, श्योर है कि एग्जिस्ट होगा, और लास्ट टर्म्स को हम लोग क्या सपोज कर लेंगे भैया, टी एन, एनवा पद, यानी एनवा टर्म्स कौन सा है, यानी लास्ट टर्म्स है, ठीक है, यानी कि आप लास्ट टर्म्स को टी एन भी सपोज कर सकते हैं। चलिए मैं उस पर क्वेश्चन आऊंगा, आएगा तो बताऊंगा आपको। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है भैया, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 9 × 9 प्लस 24 × d d d d, लो भैया आ गया, यहाँ पे 96 मिलेगा आपको, प्लस में 9 हो जाएगा, और जब ऐड करेगा तो क्या मिलेगा बाबू, यहाँ मिलेगा 105, क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास। तो T25 निकालो, चाहे T20 जो चाहे वो टर्म्स निकाल लो, ठीक है, एनी टर्म्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे बेसिक तो पता ही है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, इसको आप जो है समझ के नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ टाइम दे देता हूँ नोट करने के लिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेके नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे लगाने वाले, सिर्फ क्वेश्चन लगेंगे आज, जो कि बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो यहाँ पे एक मेरे पास टर्म्स है, बोला गया कि विच टर्म्स, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फटाफट समझते हैं इसको, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या मेरे पास से लिखा गया 5 15 25, मुझे पता है कि यहाँ पे ये सीरीज कैसी मिल रही है भैया, प्लस 10 10 के आर्डर पे, मतलब प्लस 10 यहाँ पे क्या है? मिलना है कॉमन डिफरेंस, यानी कि 10 ऐड करके हम लोग नेक्स्ट टर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, विल बी 0, लो भैया इसमें कौन सा टर्म से क्या हो जाएगा, अरे वो भी सॉरी नॉट 0, क्योंकि देखिए जब किसी सीरीज को अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया हो तब जाके 0 वहां पॉसिबिलिटी बन सकती है, मे बी या मे ना, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे तो सीरीज आपकी दिख रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 0 कभी तो आएगा नहीं ना नेक्स्ट, है ना, आगे क्या चल, विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म्स,
ठीक है, ये बोला गया। तो बोला गया कि यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन, कौन सा ऐसा टर्म्स है जो 31 टर्म्स से कितना ज्यादा भैया है, 130 मोर, यानी कि 130 ज्यादा है। यानी कि सिंपल सी बात है, पूछ क्या रहा है कि कौन सा टर्म्स है, यानी कि सपोज करो मेरे पास टीएन टर्म्स ऐसा होगा कि जो क्या है T31 से 130 क्या है मोर देन है। ये देखो मेरे पास है गिवन कंडीशन, ये क्या है, ये मेरे पास है गिवन कंडीशन, ये गिवन है ठीक है। तो मेरे पास लेट, अगर हम बात करें कि लेट टीएन टर्म्स, लेट टीएन टर्म्स यानी कि लेट, अगर बात करें एन टर्म्स ठीक है, विल बी 130 मोर देन इट्स 31 फर्स्ट टर्म्स। मैंने सपोज कर लिया कि मान लिया मैंने कि भैया कि एन टर्म्स जो होगा वो क्या होगा 31 टर्म्स से 130 ज्यादा होगा, है ना। और एन टर्म्स मीन्स क्या होता है, टीएन होता है, सबको पता ही है। चलो भैया इसको आपको, ये मेरे पास कंडीशन है और यहीं से आपको फाइंड आउट करना है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू फाइंड कर लेना भाई। चलो भैया यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलो यहाँ पर टी एन इक्वल टू क्या है यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाला है, मुझे पता है कि ए प्लस एन वन एन माइनस वन टाइम्स डी तो होता ही होता है। चलो हियर ए इक्वल टू क्या मेरे पास दिख रहा है, 5 है, डी कितना दिख रहा है मेरे पास, 10 है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलो भैया पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्म, तो क्या मिलेगा 5 प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी इक्वल टू टी एन, और हमने टी एम क्या मान रखा, टी एम टी एम की वैल्यू क्या दी गई है, T31 प्लस 130। यहाँ पे चलो तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा 5 प्लस डी मीन्स कितना, यहाँ पे डी डी मेरे पास है 10, यहाँ पे 10 पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या मिलेगा 10n माइनस 10 इक्वल टू टी एन, और टी एन मेरे क्या यहाँ पे क्या शो करता है, यहाँ पे T31 प्लस 130। अब चेक करते हैं, अब T31 मीन्स क्या होता है भाई, ए प्लस एन माइनस एन कितना, एन गोज टू 31 है ना, 31 माइनस वन टाइम्स डी ये मिलेगा आपका प्लस 31 130। ओके क्लियर, ए कितना है मेरे पास, मुझे पता है 5 दिया गया गिवन में, ये 31 माइनस वन कितना मिलेगा 30 टाइम्स डी मीन्स कितना, डी है 10 मेरे पास, हो जाएगा 130 ठीक है। ये क्या हो जाएगा देखिए, सॉल्व करते हैं फटाफट, मिलेगा 10n माइनस 5, एनी डाउट किसी को, चलो आगे चेक करते हैं। यही तो मेरे पास है, यही तो है मेरे पास, यही तो है मेरे पास कितना, ये 10n माइनस 5। चलिए अब चेक करते हैं फटाफट, यहां फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, तो चलो फटाफट वैल्यू सॉल्व करते हैं कितनी आने वाली है, चलो 5 ओके, ये 31 35 प्लस 300 ओके क्लियर हो गया। अब ये मेरे पास क्या है ना, 5 को हम यहाँ पे क्या करते हैं लेफ्ट साइड से राइट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे तो क्या मिलेगा 31 वैल्यू 140, और ये मिलेगा 300, तो 140 एंड 300 क्या मिलने वाला भाई, चलो चेक करते हैं, तो मिल गया मेरे पास कितना 440 यानी कि 440 इक्वल टू 10n एंड हियर n इक्वल टू 44 ठीक है। इसका मतलब क्या समझे, इट मीन्स दैट T44 टर्म्स विल बी 130 मोर देन T31 टर्म्स। यहां से मुझे मालूम पड़ गया कि भैया कौन सा टर्म्स ऐसा था कि जो T31 से कितना अधिक था 130, तो मुझे मिल गया T44 यानी कि 44 टर्म्स जो रहेगा वही टर्म्स ऐसा होगा जो कि 31 टर्म से 130 ज्यादा होगा, 130 क्या होगा बिल्कुल ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद चेक करिए कंडीशन यहाँ पे क्या है, उसको आप जो है लिख
लिखिए उसको कंडीशन के बारे में, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि मेरे पास कौन सा टर्म्स ऐसा होगा एपी का, इस एपी का विल बी 130 मोर देन इट्स इट्स 131st टर्म्स, 31st टर्म्स, ठीक है ना, ये बोला गया। तो मैंने कैसे पोज कर लिया भैया, हमारे चलो मान लिया मैंने एन टर्म्स ऐसा होगा कि जो क्या है 31 से 130 ज्यादा होगा, 31 से 130 ज्यादा होगा। तो मुझे पता है कि n टर्म्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, tn के फॉर्मेट से चेक करते हैं। और tn की वैल्यू क्या होती है, tn की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता ही है, tn क्या होता है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t। ओके, यहां पे हमने क्या किया, पुट अप किया द वैल्यू ऑफ a एंड d है ना इन इन द इक्वेशन। यहां पे क्या मिलने वाला, tn इज इक्वल टू क्या मिलने वाला, 5 प्लस n माइनस 1 टाइम्स t। सॉल्यूशन किया मैंने, सॉल्व किया तो देखो ये वैल्यू इतनी आ गई, और ये जो गिवन है मेरे पास tn की वैल्यू ये मिली, और tn क्या है आल्सो इक्वल टू t31 प्लस 130 हियर, ठीक है, पुट द वैल्यू इन दिस स्टेप, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सॉल्व किया तो क्या tn मिल गया, और ये हो जाएगा माइनस 5। ओके, ये देखिए t31 मीन्स क्या होगा, t31 मीन्स क्या होगा, मैंने बताया रखा पहले से कि a होगा प्लस जो d का जो होता है कोफिशिएंट क्या होगा हमेशा 30, यानी जो यहाँ पे वैल्यू फिक्स होगी उससे 1 लेस होगा, यानी कि 1 ए 30 हो जाएगा, 30 टाइम्स d। तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे लेस तो नहीं किराया थी, मैंने यहाँ पे माइनस 1 करके लेस किया, क्योंकि यहाँ पे अगर n तो d कितना n माइनस 1, देखो यहाँ पे समथिंग दिख रहा है कुछ कुछ ऐसा ही। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सॉल्व किया, सॉल्व करते 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 मैं जब नेक्स्ट स्टेप गया, यहाँ मुझे मिल गया इन द लास्ट में n इक्वल टू क्या मिल गया, 44 मींस यानी कि यही टर्म्स ऐसा होगा कि जो 31 से क्या होगा 130 मोर देन होगा। तो इसमें किसी को दिक्कत हुई है क्या, ये आपका आंसर हो गया, आप इसको राइट कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा होगा समझ के, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। तो वैसे भी कुछ था ही नहीं क्योंकि आप सब पढ़ रखा है, तो आपको बस समझना है और क्वेश्चन को यूं ही एकदम सॉल्व कर देना, ठीक है। चलो भैया इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से नोट कर सकते हैं, आपको इच्छा है नोट कर लीजिए, बिल्कुल नोट कर सकते हैं, क्योंकि नोट तो करना ही पड़ेगा, आप इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए तो आप इसको नोट करके आगे बढ़ते हैं, चलिए आप क्या करिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ज्यादा फायदा रहेगा आपके लिए, टाइम बचेगा आपका। ओके चलिए अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या आने वाला है, देखो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो बोला गया कोई टर्म्स मेरे पास है एपी का, ये भी है मेरे पास, ये गिवन है क्या, मेरे पास कोई एपी सीरीज है, बोला गया कि एट टर्म्स जो है, एट टर्म्स क्या है, एट टर्म्स के बारे में अगर बात किया तो वो है 31, इट मींस दैट टी एट क्या है मेरे पास 31 है, बात समझ में आपको आ गई, ठीक है। एन क्या बोला गया है कि 15 टर्म्स जो मेरे पास है वो क्या है, बोलो 11 मोर देन 16 मोर देन t11, यानी कि t11 मींस क्या होता है, मतलब देखो यहां पे 15 जो टर्म्स आपका दे दिया गया, ये 15 टर्म्स क्या है, यानी कि जो 15 टर्म्स की जो वैल्यू है वो क्या है 16 मोर देन 11th टर्म्स, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। इट मीन्स डैट यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो तो t15 इक्वल टू क्या है t11 प्लस 16। ओके, तो मेरे पास देखो ये गिवन कंडीशन दी गई है, और मेरे पास एक ये दी गई है गिवन कंडीशन, ठीक है ना, ये मेरे पास, तो मेरे पास दो कंडीशन यहाँ पे गिवन थी। तो पूछ रहा है यहाँ पे फाइंड द एपी, फाइंड एपी, अगर एपी फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है भैया कि मुझे जो अगर फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू पता हो जाए और क्या मालूम हो जाए, और जो है एज वेल एज कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। जब तक दोनों वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप एपी सीरीज कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, बताओ, एपी फाइंड कभी कर पाओगे नहीं ना। तो आपको फर्स्ट टर्म तो चाहिए चाहिए, और भैया एज वेल एज डी भी चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस हमको जरूर चाहिए, तभी तो आप ऐड करके या सबट्रैक्ट जैसे भी होगा तभी तो आपको पैटर्न मालूम पड़ेगा ना वहां पे क्या है, तो डी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने बोला लेट
फर्स्ट टर्म्स इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, तो देन टीकन इक्वल टू क्या मिलने मेरे पास भाई, यहां मिलेगा ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी इंप्लाइज डेट। यहां पे अगर बात करें टी एट के बारे में, टी एट कितना मिलेगा यहां पे ए प्लस, है ना, यहां पे देखिए एट की वैल्यू अगर यहां पे एट है, यहां पे क्या मिलेगा डी का कोफिशिएंट वन लेस मिलेगा, एट से कितना मिलेगा सेवन डी, ठीक है ओके। ये है कितना मेरे पास, ये है 31, इंप्लाइज डेट ए प्लस 7d इक्वल टू 31। इसमें किसी को दिक्कत कोई है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसको हम लोग 1 सपोज कर लेंगे, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे देखो, एंड और क्या मिलने वाला है भाई, और मिलेगा t15, क्या होगा t15 क्या होने वाला है मेरे पास, मुझे पता है कि a प्लस 14d हो जाएगा भाई, ठीक है। ये जो वैल्यू किसके इक्वल दिख रही है मेरे पास, ये दिख रही है t11, क्या दिख रही है t11 के लिए, है ना। और देखो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है t11, मीन्स क्या हो जाएगा भैया, t11 से होता है मेरे पास कितना, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी a प्लस 10d बोलो, और प्लस ये हो जाएगा 16। ये देखो जो है ये वैल्यू क्या शो करता है t11, ये पूरी वैल्यू क्या t11 की है, तो लिखा गया t11 से कितना मोड़ देना है 16, तो यहाँ पे देखो t11 मैंने ऐसे शो कर दिया है ना कि a प्लस 10d मिलेगा, क्योंकि 11 से लेस 1 मिलेगा क्या d का कोएफिशिएंट मिलेगा, ठीक है ऐसा प्लस हो जाएगा 16 मेरे पास। देखो कितना इजी, बहुत ही आसान, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट, यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है आगे देखिए। यहाँ पे ये मेरे पास क्या मिल गया कि a प्लस 14d इक्वल टू a प्लस 10d प्लस 16। अब a a तो यहाँ पे हो गया मेरे पास कैंसिल हो गया, बोलो भैया कैंसिल। अब क्या मिलेगा मेरे पास, मिल जाएगा यहाँ पे 4d, अगर आप d 10d को आप ट्रांसफर करोगे लेफ्ट साइड में तो क्या मिलेगा 14d माइनस 10d, क्लियर हो गया, इक्वल टू होने वाला मेरे पास 16, तो 4d आ गया मेरे पास 16, तो इट मींस दैट d बिकम्स 4, ओके। अब d 4 हो गया ना, तो मुझे आपको पता है कि अगर ये d की वैल्यू मैं अगर कहाँ पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो a मुझे फाइंड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, तो यहां पे लिखो नाउ पुट द वैल्यू, ऐसे लिखो ऑन पुटिंग द वैल्यू, ऑन पुटिंग द वैल्यू है ना ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट भैया देखो हमें क्या करना है, कभी भी एपी सीरीज फाइंड करनी हो तो आपको ए चाहिए मतलब फर्स्ट टर्म चाहिए और डी चाहिए, दो टर्म्स अगर मिल गए तो फिर फाइंड एपी अपना आराम से लिख सकते हो, ठीक है एपी सीरीज आपस में बना सकते हो, है ना इजीली बन जाएगा ना, है कि नहीं, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d है ना समथिंग, याद है ना आपको पहले से बताया था मैंने आपको। चलो ठीक है यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करें क्या मिलेगा a प्लस 7 इंटू डी कितना मेरे पास है 4 मिल गया, a क्या हो गया यहाँ पे 131 माइनस 28, क्लियर। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या मिलने वाला है भाई, चलो बताओ क्या मिलेगा आंसर, यहाँ पे मिल जाएगा मेरे पास 3, यहाँ पे आ गया 3, यानी कि a क्या निकल गया 3 निकल गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4 आ गया, तो हेंस AP R क्या मिलेगा, मिलेगा मेरे पास 3 फर्स्ट टर्म्स प्लस D कितना मेरे पास 4, तो 3 प्लस 4 7 प्लस 4 11 प्लस 4 15 है ना, ऐसे प्लस 4 आप ऐड करते जाओ, आपको जो है नए नए वैल्यू जो है नेक्स्ट वैल्यू आपको क्या हो जाएंगे फाइंड आउट होते जाएंगे, यानी कि ये मेरा सीरीज बन गया जिसका फर्स्ट टर्म कैसा है 3 है और कॉमन डिफरेंस कैसा है इसका 4 है, ये देखो मेरे पास सीरीज मिल गई, यही आपका हो जाएगा कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरीके से, बहुत ही इजी था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे सपोज कर लिया है ना, मैंने क्या किया इसको मैंने लेट कर लिया इतना टर्म्स को, ये मेरे पास गिवन था है ना, गिवन क्या था
दिस गिवन एंड दिस गिवन, इसके बिहाफ में मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, क्लियर हो गया, और ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये तो गिवन था मेरे पास, ठीक है ओके। और हम ही जानते हैं, ये हमको पता है कि टीकन टर्म्स क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी होता है। तो मैंने इसी की हेल्प से मैंने क्या लिखा, टी एट को मैंने एक्सपेंड कर दिया, और एज वेल एज टी फिफ्टीन को मैंने एक्सपेंड किया, जो कि दिया गया है टी इलेवन प्लस सिक्सटीन के इक्वल। यहाँ पे देखो पुट किया, ये जो वैल्यू क्या शो करता है, यही होता है मेरे पास टी इलेवन, सबको पता है ये तो, है ना। देखो तो कितना आसान था, और यहाँ पे लगा दें इम्प्लाइज डेट, ठीक है। कभी भी बोथ अगर साइड अगर आप साथ में सॉल्व करते हैं तो ये वाला सिंबल जरूर यूज करिए, इम्प्लाइज डेट का, ठीक है। ये मुझे मिल गया क्वेश्चन का आंसर, पूछा गया था फाइंड द एपी, तो एपी मुझे मिल गया 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। इसमें कोई डिग डाउट किसी को है क्या, कोई दिक्कत किसी को है क्या इस क्वेश्चन में, बताइए जरा हमको आप लोग, है ना। नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए बिल्कुल क्वेश्चन में आउट, है ना, क्योंकि बहुत आसान था ये भाई। अब इतना आसान है क्या, रोना आ रहा है ना सोच के। दिस इज ए हलवा, ठीक है, दिस इज ए हलवा, हलवा तो ही गया क्योंकि सब पढ़ चुके हैं आप, हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर आपके पास हो चुके हैं पहले से ही, तो क्या है ये सब, तो कुछ है नहीं, ये तो हमारे क्या है, इसका खेल है, किसका, बाएं हाथ का, यानी दाएं हाथ का, जो भी आप जिससे लिखते हैं उसका खेल है। तो मैं भैया राइट हैंड तो नहीं हूं, मैं लेफ्ट हैंडर हूं, मैं बोलूंगा मेरे बाएं हाथ का खेल है ये, आप भी बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो, चुटकी में सॉल्व करने का एक ही मूल मंत्र है भैया, जब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और तभी होंगे जब आप बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि मैंने सब पढ़ा रखा है, ठीक है। और सेकंड चीज, फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए, है ना, लर्न द फार्मूला एंड द रिवाइज द कॉन्सेप्ट, ओके। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इसी जो है सिमिलरली क्या है, मेरे पास एक और सीरीज है, एक और मेरे पास कंडीशन है, बोला गया कि द सम ऑफ फोर टर्म्स, सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म्स इज 24, इज 24, एंड ये मेरे पास क्या है कि सम ऑफ, फिर अगेन दे दिया गया सम ऑफ सिक्स टर्म्स एंड टेन टर्म्स is equal to 34, बोला गया find AP series, find AP। तो मुझे पता है AP series अगर find करनी है तो मुझे दो value चाहिए हमको, एक चाहिए first terms, एक चाहिए common difference, है ना। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग suppose कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग suppose कर लेते हैं भैया, कि आपको suppose करके लिख देते हैं भैया कि माना let's first terms is equal to A, क्योंकि हमने A ही तो suppose किया हमेशा से, है ना। मेरा इंक जो है थोड़ा सा खत्म हो गया, ठीक है, तो मैं इसको फिलअप करता हूँ इंक को, तब तक आप ये समझिए क्वेश्चंस को कि क्या कहना चाहता है। आपने सॉल्व किया ना, बिल्कुल सिमिलरली वही तो है क्वेश्चन, ये भी एकदम सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे कंडीशन जैसे वहां पे गिवन थी, यहाँ पे भी गिवन है, आप उसी कंडीशन को फॉलो करिए, और फर्स्ट टर्म्स को क्या सपोज कर लीजिए आप, जो ए, एंड कॉमन डिफरेंस को सपोज कर लीजिए डी, और ऐसे केस में इसको आप जो है ना अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इक्वेशन फॉर्म कर दीजिए, ठीक है, फॉर्म द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। चलिए आगे देखिए, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, हम देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, तो देन टीएन क्या मिलने वाला है मेरे पास, ए प्लस वन माइनस वन टाइम्स डी, क्लियर हो गया, कितना आसान है। चलो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देखो, पहली कंडीशन क्या मेरे पास थी, पहला क्या दिया था, सम ऑफ फोर टर्म्स ना, यानी कि टी फोर प्लस टी एट, एट टर्म्स का सम कितना है 24 है। चलो इट मीन्स दैट ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस सेवन डी,
कोई डाउट किसी को क्या? नहीं ना, 24 हो गया। सॉल्व दिस इक्वेशन, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। टू गाइस कॉमन, ए प्लस 5d, ठीक है, क्या मिलने वाला मेरे पास यहाँ पे 24 हो जाएगा। इम्प्लाइड दैट ए प्लस 5d इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एनी प्रॉब्लम किसी को? सोल्यूशन करना तो आपको आता ही है ना, फास्ट काम करिए, ठीक है। चलिए सेकंड कंडीशन क्या गिवन मेरे पास है कि t6 प्लस t10 इज इक्वल टू है 34। क्लियर, क्या मिलेगा? a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d, ओके, इज इक्वल टू 34। टू टाइम्स a ऐड करिए और ये जगह 9495 होता है 14d 34। इट मीन्स डेट टू बाय जे कॉमन 34। इट मीन्स डेट a प्लस 7d इज इक्वल टू, बोलो बोलो, 17। इक्वेशन नंबर कितना आ गया? सेकंड आ गया। अब क्या करना है ना, मेरे पास टू इक्वेशंस हैं तो आप यूज कर लीजिए यूजिंग बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आप सॉल्व करके फाइंड आउट कर दीजिए। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन नंबर टू फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, तो मुझे जो है वन से, चलो यहाँ पे टू को नहीं, फ्रॉम फर्स्ट, चलो ऐसे काम करो ना, जो वैल्यू लार्ज है उससे आप ऐस कर दो, यानी कि वन को किससे करना मुझे है, चलो भैया टू से कर लेते हैं। क्लियर हो गया, ऐसे कर लो। तो यानी कि वन को कैसे टू से करें, यानी कि टू ए प्लस 7d इज इक्वल टू 17 से किसको माइनस करके कर देना भैया 5a प्लस 5d को, कितना मेरे पास है 12 है वी गेट। तो सबको पता है सॉल्व कैसे करते, क्वेश्चन 2d ओके इक्वल टू क्या मिले पास मिलेगा 5 आ गया। क्या आ गया? तो d इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, d आ गया 5/2। d कितना मुझे मिल गया भैया 5/2 मिल गया। इसमें से कोई किसी को दिक्कत है क्या, बोलो? ये मेरे पास क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब हम फाइंड करते हैं भैया, क्या अब फाइंड कर लेते हैं हम लोग हैं a की वैल्यू। तो a क्या मिलेगा, जब d मुझे फाइंड हो गया है तो पुट द वैल्यू d, आप d इन 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 एनी इक्वेशन क्या है जो है आप 1 में पुट कर सकते हो या तो 2 में पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे तो होगी नहीं। तो लोग यहाँ पे नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या मेरे पास 5d, 5 कितना है, ये 5d कितना है 5 टाइम्स अपॉन 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 12। मैंने यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे मैंने यूजिंग क्या किया, d इज इक्वल टू 5/2 मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है। आप ब्रैकेट में इसके लिख सकते हैं एज वेल, ठीक ना। चलिए क्या मिलेगा, 2 माइनस देखो यहाँ पे हो जाएगा 55/2। और जब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट से राइट तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा मेरे पास ये 2 2 4 माइनस 25/2 इज इक्वल टू क्या मिलने वाला, माइनस 21/2। क्या हो गया, ये टर्म्स आ गया, कहीं कुछ तो गड़बड़ तो लग रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग, क्योंकि इसका तो टर्म्स ना ऐसा आ रहा है उल्टा सीधा आ रहा है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे t4 t8 कितने टर्म्स दे दिया गया, 24 है, क्लियर है, और t6 और t10 मेरे पास 34 है, क्लियर है। चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। हुआ फर्स्ट कंडीशन से क्या मुझे मिल गया, देखो ये मुझे मिल गया फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन था, ये मेरा पास फर्स्ट कंडीशन 3d 7d, क्लियर हो गया। 2 दिस यानी कि a प्लस 5d इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 12 हो जाएगा, क्लियर हो गया। ये तो मुझे पता है अच्छी तरीके से, हो गया ए हो जाएगा 9d 9 5 होता है 14 14d 2a ठीक है 34। तो 2 मैंने कॉमन लिया तो क्या मेरा a प्लस 7d मिल गया, क्लियर हो गया। a प्लस 7d इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 17। तो मैं अगर आपको माइनस करता हूँ तो यहाँ पे मिल जाएगा 2d इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे पास 5।
क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं। चलो a इज इक्वल टू मिल गया मेरे को 5 टाइम्स, यहाँ मैंने वैल्यू पुट किया d की, तो क्या मिल गई 5/2। देखो यहाँ पे तो n से मल्टीप्लाई करते हैं, d का d में, तो d मेरे पास 1 है अपन, ठीक है, तो 25/2 और जाएगा लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस हो जाएगा, तो 2 - 30। देखो ये 2 नहीं है, अभी तो गलती हो गई मेरे पास, नहीं मेरे 12 यहाँ पर, कितना है 12 है यहाँ पे, तो बोल दिया करो भाई, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। तो ये हो जाएगा मेरे पास 24 हो गया, ठीक है। अभी मेरे पास कितना आ गया भैया, 1/2 आ गया, क्या आ गया 1/2 आ गया, ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो डी मुझे पता चल गया, डी के साथ साथ मुझे ए मालूम पड़ गया, यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो गया, डी मुझे फाइंड आउट हो गया, ये मेरे पास डी हो गया। और ये देखो यहाँ पे एज कर टू क्या निकल के मुझे आ गया भैया 1/2, मैंने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, कितना आसान है। आप क्या करो ए पी सीरीज आप फाइंड कर सकते हो, तो क्या मिलेगा सीरीज बताओ, मेरे पास सीरीज क्या मिलने वाली, देखो यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म्स क्या मेरे पास है 1/2 है, सेकंड टर्म्स क्या है भैया 5/2, तो 1/2 प्लस 5/2 क्या मिलने वाला है 6/2, 6/2 कितना होता है 3 होता है, ठीक है। फिर इसको क्या करें, 3 में हम लोग क्या करते हैं 5/2 मेरे पास ऐड करना है ना पड़ेगा, क्योंकि डी मेरे पास है 5/2, 3 प्लस कितना मिलेगा 2 + 6, और 6 5 हो जाता है मेरे पास 11/2, और 11/2 में जब 5/2 फिर से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा भैया 11 प्लस 5 हो जाएगा मेरे पास 16, 16/2 मींस क्या हो जाएगा 8 एंड सो ऑन। ये मेरे पास सीरीज मिल गई, यही आपके पास क्या गिवन सीरीज है, यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है, क्या ये आपके पास यही आंसर है। कॉपी कीजिए आप a प्लस डी, यानी a को लिख दीजिए फर्स्ट टर्म्स, b d को ऐड करिए नेक्स्ट टर्म्स के लिए मिला, फिर अगेन d को ऐड करिए नेक्स्ट टर्म्स मिल जाएगा, फिर अगेन d को ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है, एकदम ईजी है, और ऐसे जितने क्वेश्चन अगर इसी बेस पे आते तो उसको आप यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये काफी बिल्कुल ईजी मेथड था सॉल्व करने का, कुछ था ही नहीं इसमें, जो गिवन थे मैंने वो लिख दिया, जो आपको पता था वो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सब सॉल्यूशन हो गया, मुझे फाइंड अगर एपी सीरीज मुझे फाइंड करनी है तो मुझे ए चाहिए और डी चाहिए, तो उसको मैंने सपोज कर लिया, कॉमन डिफरेंस डी एंड फर्स्ट टर्म्स ए, अगर ए और डी मुझे फाइंड आउट हो जाएंगे तभी तो आप एपी सीरीज फाइंड कर पाओगे, क्योंकि सीरीज क्या होती है एपी, एक सिक्वेंस में चलती है, उस सिक्वेंस में चलने का मतलब वहां पे कुछ एक कॉमन डिफरेंस होगा ना, यानी कि कुछ कॉमन नंबर होगा जो ऐड करके लिखा जा रहा होगा या सबट्रैक्ट करके लिखा जा रहा होगा एपी सीरीज बनाने के लिए, जो सबट्रैक्ट या ऐड करते हैं उसी का नाम होता है कॉमन डिफरेंस, क्लियर, ओके। अगर सीरीज आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आता है, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो कॉमन डिफरेंस क्या आता है नेगेटिव आता है, सबको पता है, तो कॉमन चीजें हैं। चलिए तो यहां पे मैंने इसको मैंने क्या किया, वैनिश कर दिया इसको भैया, डिस्ट्रॉय कर दिया, लो भैया चलो हटाओ, डिस्ट्रॉय नहीं किया, वाइप आउट कर दिया, क्या कर दिया मैंने, वाइप आउट कर दिया, चलो इरेज कर दिया, चलो कुछ भी बोलो भाई, चलो तुम्हारी मर्जी। चलो अभी आप देखो एक ये आपके पास होमवर्क है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसे बोला गया टी ए टर्म्स जो है क्या है 1/2, यानी कि हाफ ऑफ सेकेंड टर्म्स, हाफ ऑफ सेकेंड टर्म्स, हाफ ऑफ सेकेंड टर्म्स, ठीक है, ये मेरे पास की है, चलो ऐसे लिख लो, ये मेरे पास है फर्स्ट कंडीशन मेरे पास ये है, ठीक है, इसका मतलब की एट क्या मिल गया 1/2 × t2, ये मेरा पहला कंडीशन दे दिया गया गिवन है ना, कंडीशन नंबर 1। एंड क्या बोला गया है, टी 11 टर्म जो मेरा क्या है, वन थर्ड ऑफ टी 4 एक्सीड बाई वन, यानी कि टी 4 जो है, टी 11 क्या है टर्म्स दिख रहा है मेरे पास, टी 11 क्या है कि भैया टी 4 का वन थर्ड है, और क्या हो गया एक्सीड क्या कर गया, वन कर गया, ये मेरे पास क्वेश्चन था, ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये है इसके पास कंडीशन, ठीक है, ये है मेरे पास कंडीशन, तो मुझे पूछ रहा है कि भैया फाइंड द एपी सीरीज, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, यानी कि ये बोला गया है कि वन थर्ड जो है टी 4 का वन थर्ड से कितना एक्सीड कर गया, वन, एक्सीड का मतलब होता है भैया इंक्रीज करना, एक्सीड बाई वन, ठीक है, ये है मेरे पास,
गिवन है ये मेरे पास, गिवन क्या है कि 11th टर्म्स इज 1/3 of fourth terms and exceed by 1. ठीक है, ये मेरे पास गिवन है जो मैंने यहां पे लिखा है. ठीक है, दोनों कंडीशन आपको पता है, आप रिलेट करेंगे. लेट्स फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू ए एंड काउंटर डिफरेंस इज इक्वल टू डी. आप क्या करेंगे उसको पुट करके, और यहाँ पे टी8 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन. अगर मेरे पास सपोज करो, चलो मैं सॉल्व कर देता हूं फटाफट. लेट फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू हो गया स्मॉल डी, तो क्या मिलेगा टीएन, क्या मुझे मिलेगा, सबको पता है, हर किसी को मालूम ही है क्योंकि सब मैंने पढ़ रखा है, पढ़ा रखा है. देखो आगे देखो क्या मिलेगा, सिमिलरली टीएट क्या मिलने वाला है, ए प्लस 7 डी मिलेगा. और ये किस चीज को दिख रहा है मेरे पास, 1/2 सेकंड टर्म. सेकंड टर्म क्या मिलेगा बोलो, ए प्लस एन, एन की वैल्यू क्या 2 से 1 टर्म, यानी कि 1 डी, यानी कि 1 डी यानी कि डी. ठीक है, ये मेरे पास गिवन है. चलो सॉल्व करते हैं, ए प्लस 7 डी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ए प्लस डी. 2 को ट्रांसफर कर देते हैं भैया लेफ्ट साइड में, क्या मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस 7 डी इज इक्वल टू ए प्लस डी. क्लियर हो गया, 2 ए प्लस 14 डी और ए प्लस डी. एंड दिस इक्वेशंस जस्ट बिकम्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए प्लस 13 डी इज इक्वल टू 0 आ गया भैया. हीलो मेरा क्या हो गया, 0 हो गया. चलो भैया ये 0 हो गया, चलो इसको आप मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 सपोज मैंने कर लिया. ठीक है, यहां से आप 0 क्या करो, यहाँ पे 0 क्या करोगे लेके, है ना, ए इज इक्वल टू लिख दो भैया -13 डी. ये मेरे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पे सेकंड में क्या है T11, तो मींस क्या होता है ए प्लस 10 डी हो जाएगा. अब ये सब तो आप जानते हो, बार बार एक चीज लिखवाने से अच्छा है भैया आप लोग पढ़ लो तरीके से, इसको समझ लो. 4D का मतलब कितना है, T4 मींस क्या 3D मिलेगा, 4 + 1 कम, अब प्लस कितना एक्सीड करके अब 1 कर गया. चलो भैया यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स मिलेगा ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू ए प्लस 3 डी प्लस 1. क्लियर हो गया, मैंने गलती कर दी, गलती क्या कर दी, यहाँ पे एलसीएम लिया नहीं, यहाँ पे एलसीएम क्या मिलेगा देखो, यहाँ पे जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते एलसीएम लेना पड़ेगा ना पहले, यहाँ पे क्या मिलेगा ए प्लस 3 डी प्लस 3 मिल जाएगा और डिवाइड बाई 3. अब यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या मिलेगा 3a प्लस 30d, इसको अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, तो ये मिल जाएगा, फिर क्या मिलेगा a प्लस 3d प्लस 3. चलो चेक करते हैं फटाफट, ए को वन साइड करो क्या मिलेगा 3a माइनस a, क्या मिलेगा 2a मिल गया प्लस, इसको भेजते हो तो क्या मिलेगा भैया 27d इज इक्वल टू मिलेगा मेरे पास 3. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर मेरे पास कितना हो गया, सेकंड हो गया. फर्स्ट में देखो ये आ गया, आप ऐसे लिख दो, रोमन में लिख दो, रोमन फॉर्मेट में इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं. अब देखो ए की वैल्यू मुझे पता है कि माइनस 13d है, तो यहाँ पुट करते हैं, है ना, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन डी का, चलो ए पुट कर देते हैं ना इन ए फ्रॉम फर्स्ट से इन केस नंबर सेकंड में वी गेट क्या मिलेगा, देखो यहां चेक करते हैं, तो 2 इंटू ए कितना मेरे पास -13d प्लस 27d इज इक्वल टू 3. अब मुझे हम d तो आराम से मिल जाएगा ना, कितना मिलेगा भैया 26 माइनस
डी प्लस 27 डी इज इक्वल टू मिल जाएगा मेरे पास 3। इट मीन्स दैट डी मिलेगा यहाँ पे, डी कितना आ गया 3 आ गया, डी 3 आ गया तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, ए इक्वल टू क्या मिल गया माइनस 13 इंटू 3। डी की वैल्यू 3 दे दी गई है तो डी यहाँ पुट कर दिया तो क्या मिलेगा माइनस 39 मिल जाएगा, यानी कि ए मुझे मिल गया माइनस 39। मुझे सीरीज मालूम पड़ गई क्या मिलेगी माइनस 39, फर्स्ट टर्म्स डी कितना प्लस 3 ऐड करो माइनस 36, 3 ऐड करो माइनस 33, 3 ऐड करो माइनस 30, यानी कि ये देखो टर्म्स ऐसे बनेंगे, कहीं दूर जाके पॉजिटिव टर्म्स आते रहेंगे, ठीक आ जाएंगे। अभी तो नेगेटिव टर्म्स आ रहे हैं, जब नेगेटिव टर्म्स आ तो रहे स्टार्टिंग में ना, फिर प्लस माइनस 3 प्लस 3 करते जाओगे तो फिर ये कम होते 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 फिर कहीं ना कहीं जाके पॉजिटिव टर्म्स तो आ ही जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद कर लेना, तो कितना आसान क्वेश्चन है, हालांकि मैं इसको सॉल्व कर दिया तो यहाँ पे मुझे सॉल्व करने से ज्यादा मतलब नहीं था, आपको इसको खुद सॉल्व करना चाहिए। तो जो है मेरे पास टू कंडीशंस आर गिवन, दिस एंड दिस, तो मैंने इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और मैंने क्या कि इस कंडीशन को मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, इसको यहाँ लिखा मैंने, सॉल्व किया, क्वेश्चन हो गया। मुझे एपी सीरीज फाइंड आउट करनी थी तो मैंने क्या बोला था आपको कि अगर एपी सीरीज फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ए और डी को फाइंड करना पड़ेगा सारे आंसर के, ऐसी तैसी हो जाएगी भैया, आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप जैसे भी जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट मैं क्या बताने वाला हूँ, कभी भी अगर आपको है ना, चलिए इसके बारे में बात ही कर करते हैं, इसके नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस और मेरे पास है तो चलो उसको भी एक मिनट देख ही लेते हैं, ठीक है ना। चलो मेरे पास आज क्वेश्चंस तो है तो उसको आज सॉल्व करके हटते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करिए, जो भी होगा देखा जाएगा। थर्टीन देखो मेरे पास, लुक हियर माय डियर, ये मेरे पास है क्वेश्चन 13, ये मेरे पास सीरीज है, कितने ऐड किसमें किया गया बताओ, ऐड कितना किया, डी कितना मिल रहा है स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो मुझे मिल रहा है भैया कितना बोलो जरा, 336 मिल जा रहा है, यानी कि फिर 6 ऐड करते हैं यहाँ मिलेगा 19 मिल जाएगा, डॉट 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 लास्ट टर्म दे दिया मेरे पास 241। पूछ रहा है यहाँ पे मिडिल टर्म्स फाइंड करो, मिडिल टर्म्स क्या करो फाइंड करो, आ गया ना क्वेश्चन देखो ये वाला, ठीक है। अब क्या मैंने बताया कि अगर मिडिल टर्म्स का फाइंड करेंगे भैया, पहले तो फर्स्ट आप ऑल वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स, तो चेक करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स जो फाइंड आउट होगा वो कैसा है, इवन है कि ऑड है, तो उसके बाद ही हमको सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे तो पता है नहीं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो चलो यहाँ पे देखो हमने क्या सिखाया था कि फर्स्ट टर्म्स कितने यहाँ पे है यार, फर्स्ट टर्म्स कितना है इसको दिख रहा है मेरे पास 7, कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है आप बताओ, साफ साफ दिख रहा है तो बिल्कुल क्लियर है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितने हो जाने वाले यहाँ पर हैं भैया 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और देखो लास्ट टर्म्स यानी कि लास्ट टर्म्स जो मेरा है ना ये, ठीक है, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं एंथ टर्म्स, ठीक है ना, एंथ टर्म्स, आप कभी भी लास्ट टर्म्स अगर गिवन है तो उसको आप एंथ टर्म्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो वही एनवा पद, एनवा टर्म्स कौन सा था, सपोज करो एनवा टर्म्स आपका 241 है ना, ये चीज हो गई। इसको हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जो एल को हम लोग टीएन के फॉर्मेट में यू कैन राइट आप लिख सकते हैं, ये है मेरे पास, ठीक है। तो नाउ टीएन इक्वल टू क्या मिलने वाला मेरे पास है, ये है 241, ये किसके ऊपर मिलेगा, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी,
ए मेरे पास कितना है, प्लस एन माइनस वन एन अननोन है, डी कितना मिलेगा मेरे पास, 6 हो गया और हो जाएगा T41। कितना इजी है, कुछ है ही नहीं भैया। देखो टीगन मेरे पास क्या होता है, टीगन की वैल्यू ये होती है, और टीगन किसके इक्वल मेरे दिया गया 241, क्योंकि टीगन को मैंने मान लिया है वो लास्ट टर्म से, यानी एन टर्म सपोज किया मैंने 241, ठीक है। तो एन टर्म्स को ही हम लास्ट टर्म्स अगर है तो उसको एन टीगन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ एल टर्म्स वहां पे यूज करते हैं जब आपको फ्रॉम द इनिंग से कोई टर्म्स फाइंड करना हो, तो फिर वहां पे टीगन टर्म्स फाइंड करना हो इनिंग से, तो क्या बनेगा, जो एल होता है वही तो आपके ए बन जाता है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जो हमारा होता है, अगर डी पॉजिटिव तो क्या बन जाता है भैया, वहां पे नेगेटिव बन जाता है। तो कुछ यूं आपको दिखता है ना फॉर्मेट, ये यही तो ए है, ये जो ए है ना यही एल है, यही एल है, यही जो एल है ना स्टार्टिंग से ये लास्ट टर्म से है और एंडिंग से क्या फर्स्ट टर्म पे आता है, ठीक है। यहाँ पे चीजें अलग हो जाती हैं, ये चीज अलग है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एल को कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं उसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसको बता देंगे आपको। 241, ठीक है, माइनस 7 कर लीजिए, एन माइनस 1 टाइम्स 6, ये तो जाएगा उधर, तो क्या बचेगा भैया बता दो, क्या होगा, तो क्या होगा भैया यहाँ पे, तो मिल जाएगा 234। ये तो मिलने वाला, देखो ना कितना आसान है, इक्वल टू एन माइनस 1 टाइम 6। अगर हम यहाँ पे क्या करें, 6 से क्या कर डिवाइड करें तो क्या मिलेगा भैया, 6 को हम लोग गोश्त कहाँ भेजें, 6 को हम ट्रांसफर कर देते हैं भैया लेफ्ट साइड में, भैया जाओ यहाँ पे तुम्हारा कोई काम ही नहीं है ना, कब तक क्या करोगे रह के यहाँ पे, चलो भैया हटा दो इनको, बेचारे ये भी बेचारे परेशान है। चलो इसका दोस्त मिल गया भैया, अब तो इसका दोस्त तो मिल गया, अब क्या मिल रहा, देखो यहाँ पे एन माइनस 1 इम्प्लाइज डेट, यहाँ पे आप लोग इम्प्लाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसको क्या मिलेगा, तो क्या होता है भैया मुझे पता है, 6 6 थीटा कितना होता है, 18 हो जाता है, होता है कि नहीं होता है भैया, होता है 5 हो जाएगा 3 और 6 9 जा, यानी एन आ गया मेरे पास 39 + 1 यानी कि 40, एन आ गया भैया मेरे पास 40, यानी एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास क्या निकल गया 40। 40 कैसा नंबर है, इवन की आर मुझे पता है, ये तो है कैसा, इवन है, इवन कैसा है, इवन है, तो अगर इवन है तो क्या होते हैं मेरे टर्म्स, यहाँ पर मेरे टर्म बताओ इवन के लिए, नो मिडिल टर्म्स क्या होने वाले हैं, एक मुझे मिलेगा मेरे पास एन बाई टू टर्म्स मिलेगा, क्योंकि इवन में हमेशा क्या होते हैं दो टर्म्स मिलते हैं ना मिड में, ये हो जाएगा, क्या मिलेगा एम्प्लॉई डेट, एन कितना मेरे पास 40/2 करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस टर्म्स एंड 40/2 तो होंदा ही है, और यहाँ पे क्या होंदा है, यहाँ पे हो जाएगा इतना प्लस 1 कर देंगे, यानी एम्प्लॉई डेट 20 टर्म्स मिल जाएगा एन 21 टर्म्स, ठीक है। फाइंड करना है तो आप फाइंड कर लीजिए, तो यहाँ फाइंड कर सकते हैं, तो T20 क्या मिलने वाला मेरे पास है, ए प्लस 19D, और ए मेरे पास कितना है 7 है, 19D कितना है 6 है, बोलो भैया इसमें कोई समस्या है क्या किसी को, मिलेगा मेरे पास 7 + 114 इक्वल टू T20, सॉल्व कर लो भैया 121 आ गया, एक वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 121 आ गई, मतलब एक वैल्यू 21 आ गई, और सेकंड क्या मिलने वाले, नेक्स्ट इसके आगे वाला है यानी 121 क्या मिलेगा, T21 क्या मिलने वाला भैया, प्लस 6 ऐड कर दो भैया नेक्स्ट टाइम मालूम पड़ जाएगा, यानी कि 121 + 6 = 127। अच्छा मुझे बताना आप लोग, अगर 20 टर्म्स इसका 121 है तो 221 टर्म्स कौन होगा, 20 के बाद आएगा, 20 के बाद कब आएगा, जब उसमें प्लस 6 ऐड करेंगे, जो कि कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर है 6 है, तो वो कितना आसान है, तो यहाँ पे ये एक हो गया मिड टर्म्स आपका, ये मिल गया और ये भी मिल गया। अगर आपसे पूछा होता कि विच ऑफ द मिडिल टर्म्स, तो आप दो टर्म्स बताएंगे 20 टर्म्स एंड 21 टर्म्स, अगर वैल्यू पूछती है तो क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लीजिए भैया 20 टर्म्स कितना, लेवल 121 आ गया, और 21 टर्म्स कितना आ गया 127 आ गया, क्लियर हो गया, ये देखो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है, यहाँ पे भी
अब मैंने बता रखा है, ये मेरे पास गिवन थी कुछ कंडीशंस, क्या थी ये गिवन थी, कहां से गिवन थी, इकांटो सीरीज, ये सीरीज मेरे पास है, ये सीरीज है, ये भी गिवन है, ठीक है। तो गिवन डेट ये है, ठीक है, तो यहां पे आप इसको सपोज कर सकते हो। नाउ है ना, तो अभी राइट, वी राइट एल इक्वल टू टी एन इक्वल टू 241, ठीक है ना, क्लियर हो गया, बता सा है ना, इजी है। बुजुर्ग भैया मस्त रहो, अच्छे से रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, खूब मजा आने वाला है। इसके साथ तो हम लोग खूब मस्ती करने वाले हैं आज। क्वेश्चन तो हो गए मेरे पास फटाफट, क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर ही दिया, अब क्वेश्चन के साथ साथ क्या करना है ना आपको, आगे चलता हूँ लेके। मेरे पास एक क्वेश्चन और दिया है, देखो मैंने क्या लाया है, देखो यहाँ पे देखो, ये सब क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक लड़का है सुबह राव, क्या है सुबह राव, देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आप अच्छे से याद करो, सुबह राव, एक लड़का है सुबह राव, एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, आप चेक खुद कर लीजिएगा। एक सुबह राव स्टार्ट कोई काम करता है कब से, 1905 से, ये जो है 1995 से क्या करता है, कोई काम शुरू करता है, और स्टार्टिंग में कितना सैलरी पाता है भैया, 5000 पाता है, क्लियर हो गया, ओके अच्छा। और ये क्या ना पर ईयर क्या करता है, 200 रुपया इसका रेज कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं, कौन, जहां पे काम करता है, तो मतलब क्या होता है ना, पर ईयर क्या करता है, 200 रुपये बढ़ा के पाता है, यानी कि 200 रुपये क्या करता है, बढ़ा के पाता है, यानी कि अगर ये 95 में जॉब करना शुरू किया तो ये तो इतना पा जाएगा, 96 में कितना पाने वाला है ये लड़का, हमेशा क्या करेगा भैया, 200 अधिक बढ़ा के मिल रहा है इसको। फिर 97 में अगर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा, 200 फिर बढ़ा के पाएगा तो कितना मिलेगा, इतना मिल जाएगा। पूछ रहा है यहाँ पे कि इन विच भी है ना, पूछ रहा है कि इन व्हाट ईयर डिड हिज एनुअल सैलरी विल बी 7000, यानी किस वर्ष में, यानी कौन से साल में, यानी किस ईयर में उसकी जो सैलरी कितनी हो जाएगी भैया, 7000 रुपीज हो जाएगी, ये मेरे से पूछा गया है। तो मुझे पता है यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, मेरे पास डी है, मेरे पास 200, कुछ सॉल्व कर लीजिएगा, ए कितने मेरे पास है 5, और लास्ट टर्म्स मतलब क्या होता है टी एन, यानी कि लास्ट टर्म जो टी एन है वो कितना दिया गया मेरे पास, 7000। तो मुझे पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। तो लेट एन ईयर्स आफ्टर एन ईयर्स है ना, आफ्टर यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि लेट आफ्टर एन ईयर, ठीक है, एन ईयर द सैलरी बिकम्स 7000, ठीक है ना, बिकम्स 7000, यानी कि 1000 इसकी हो जाती है कब, मान लीजिए कब, एन ईयर में। तो सिंपल से बात, यहां पे क्या मिलेगा, टी एन स्क्वायर भी क्या मिलेगा मेरे पास, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी मिल जाएगा, और टी एन मेरे पास कितना है, 7000 इक्वल टू, ए कितना मेरे पास है भैया, 5000 से शुरुआत किया है वो, और क्या करता है डी कितना है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस कितना है, 200 है, 200 रुपया क्या हो रहा है हर ईयर में, क्या हो रहा है, ईच ईयर में इंक्रीमेंट उसको, यानी कि इंक्रीज हो जा रहा है, यानी 200 रुपया हर साल क्या बढ़ जा रहा है उसका, ठीक है, पर ईयर। तो सॉल्व करिए क्या मिलेगा, 2000, क्लियर, एन माइनस वन टाइम्स 200, क्लियर हो गया। यहाँ देखो एन माइनस वन की वैल्यू क्या मिलने वाली, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा मेरे पास कितना, 10, एन कितना आ गया, 11, यानी कि 11 साल के बाद, यानी कि आफ्टर 11 ईयर, मतलब आफ्टर 11 ईयर, यानी कि 11 साल के बाद जो है उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी भैया, 7000 हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, आप सॉल्व खुद कर लीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन जो भी आते हैं आप खुद सॉल्व करिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और एक लड़की है जसलीन, क्या है, एक क्वेश्चन मेरे पास और है, जसलीन है, वो क्या करती है कि कुछ प्लांट लगाती है, फ्लावर के, नहीं, प्लांट नहीं, वो क्या करती है, पैसा बचाती है, सेव मनी करती है। एक लड़की है जसलीन, देखो यहाँ पे अच्छे से इसको समझ लेना भैया, जसलीन जो एक लड़की है वो क्या करती है, पहले सप्ताह में 5 रुपये सेविंग करती है, जब नेक्स्ट वीक में सेविंग करती है तो 1.75 रुपीज बढ़ जाता है उसका, ठीक है, यानी कि जो सेविंग मनी है वो क्या पर वीक कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 1.75, इसका मतलब अगर वो पहले सप्ताह में अगर 5 रुपये बचाएगी तो नेक्स्ट में कितना बचाएगी भैया, 5 प्लस
1.75, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 6.75 हो जाएगा। फिर अगली बार जब बचाएगी तो फिर इसका कितना बचाएगी 1.75, यानी कि ये देखो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो साफ साफ दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस कितना आने वाला मेरे पास है 1.75 आ गया। एक वैल्यू कितनी आने वाले भैया 5 रुपीज जो बचा रही है, सेविंग कर रही है, और हर साल हर वीक में कितना पैसा बढ़ा के सेव कर रही है, यानी कि कितना पैसा बढ़ जाता है उसका है 1.75 रुपीज, इतना बढ़ जाता है। तो बोला गया कि कितने उसको वीक लगेंगे कि वो 20 रुपीज और ये 75 पैसे सेव्ड कर पाए। सेम एज क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये लास्ट टर्म्स हो गया मेरे पास ये, है ना। तो लेट करना, लेट आफ्टर एन वीक, है ना, ही सेव्ड 20.75 रुपीज, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिमिलरली सेम एज यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, टी जो लास्ट टर्म्स मेरे पास है वो 20.75 यहाँ पुट करिएगा, ए की वैल्यू यहाँ पुट करिएगा, डी की वैल्यू यहाँ पुट करिएगा, एन आपका निकल आएगा, ये खुद सॉल्व करिए आप, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जसलीन का। करती क्या जसलीन है, पहले वीक में 5 रुपया बढ़ा लेती है, सेव कर लेती है, मेरे पास पैसा है कुछ, मैंने क्या किया, ऐसे मतलब आपका नाम चलो प्रतीक है, तो प्रतीक ने क्या किया कि 5 रुपया जो है बचा लिया थैले में अपने रख लिया। तो जब नेक्स्ट वीक आया ना, तो अगली बार क्या किया ना कि जितना बचाया था उससे 1.75 रुपीज ज्यादा मोर सेव्ड कर लिया, यानी कि अगर इस टाइम उसने बचाया था 5 रुपए तो नेक्स्ट वीक आते आते कितना हो जाएगा उसके पास कुल रुपीज 6.75, क्योंकि 1.75 क्या हो रहा है, हर वीक में पैसा बढ़ जा रहा है, सेविंग मनी में उतना पैसा इंक्रीज कर जा रहा है। तो फिर जब नेक्स्ट वीक में जाएगा तो जितना फिर नेक्स्ट वीक जाएगा तो फिर 1.75 फिर बढ़ जाएगा उसका सेविंग मनी। तो ऐसे पूछ रहा है कि सेव करते जाएगा, सेव करते जाएगा, तो ऐसे केस में कितने वीक के बाद, यानी आफ्टर, है ना, कितने वीक के बाद जो है उसके पास 20.75 रुपीज हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे पता है कि सपोज कर सकते आफ्टर एन ईयर ही सेव्ड, जसलीन सेव्ड 20.75 रुपीज आफ्टर, यानी एन माना एन वर्षों के बाद इतना रुपये बचा लेती है, तो इसका मतलब जो 20.75 रुपीज है वो क्या हो जाएगा, और लास्ट टर्म्स हो गया यानी टीएन हो गया, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी के फॉर्मेट में क्या करिए इसको आप सॉल्व करिए, तो टीएन इज इक्वल मिलेगा मेरा 20.75 लास्ट टर्म्स, और ए कितना मेरे पास 5 रुपीज है, एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना मेरे पास 1.75 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन जहां निकल गया वही यहाँ पे क्या नंबर ऑफ वीक हो जाएगा, ठीक है। आप खुद समझदार है, अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे मैंने कहा कि अगर आपके पास 100 रुपया है, आपने क्या किया पहले वीक में आपने 100 रुपया बचा लिया, नेक्स्ट वीक में आपने क्या किया 115 बचा लिया, फिर उसके अगले वीक में आपने कितना सेव कर लिया 130 सेव कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको जो मनी है जो सेव्ड करते हैं वो क्या ईच वीक में क्या हो जा रहा है रुपीज 15 का हो जा रहा है प्लस हो जा रहा है, यानी कि रुपीज 15 आप बढ़ा बढ़ा क्या कर सेव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, इट मीन्स डेट रुपीज 15 इज ए कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो मतलब हर वीक में आप 15 रुपये बढ़ा के काम कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, इसका मतलब डी कितना हो गया रुपीज 15 हो गया, और ए कितना मिलेंगे मेरे पास 100 हो गया। तो आपसे मैं पूछूं कितने ईयर के बाद 300 रुपये बचे, 300 रुपये बचा लेंगे, जो भी आप पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये बहुत ही मजेदार आज का सेशन था एपी सीरीज के लिए, सारे क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं, और जो भी क्वेश्चन दिक्कत करते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा कि एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। तो मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा तो देख लूंगा कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता है, ठीक है, तो मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा, क्लियर हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।